अगर नहीं मानी तो फिर वोट की चोट होगी, जमानत जब्त होगी। अब इनको पता लग गई कि किसान कोई मुट्ठी भर नहीं है, किसान कोई आंदोलन जीवी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। पवित्र मन से लाए होंगे पर ये कानून गलत लाए थे। वोट की चोट कर दी किसान ने, अब इनको पता लग गया कि इससे पंगा मत लो, विधानसभा चुनाव में ये तो खेल खत्म कर देगा हमारा। दो मांगे अभी बाकी है, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक किसान घर नहीं जाएगा और आंदोलन और तेज होगा। कंगना रनौत है उनकी चमची, और वो जब ऐसी बातें उल्टी सीधी देश के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती हैं तो इससे ये साबित होता है कि वो। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है कि जो 700 किसान शहीद हो गए वो आज इस जश्न को नहीं देख पाए, इस जीत को नहीं देख पाए, और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, मौन रखना चाहता हूँ उनके लिए। दो मिनट के लिए हम करीबन एक मिनट के लिए मौन रहेंगे। सरकार को इतना समय क्यों लग गया आखिर एक साल इनको? क्योंकि दिमाग कब आया अब पता इनको, अब इनको पता लग गई कि किसान कोई मुट्ठी भर नहीं है, किसान कोई आंदोलन जीवी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। अब समझ में आ गया प्रधानमंत्री? बिल्कुल, तब इन्होंने माफी मांग ली। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पवित्र मन से कानून लाए थे। पवित्र मन से लाए होंगे पर ये कानून आप गलत लाए थे। पवित्र मन से लाए होंगे पर ये कानून गलत लाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून तो वापस कर रहे हैं, किसानों को घर चले जाना चाहिए। घर नहीं जाएगा अभी किसान, क्योंकि MSP गारंटी बाकी है, जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा बाकी है, नौकरी बाकी है, उनके लिए श्रद्धांजलि बाकी है। क्या इन शर्तों पे मानेगी अब सरकार? और माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो फिर वोट की चोट होगी, जमानत जब्त होगी। आपने वोट का जिक्र किया, क्या चुनाव के डर के मारे वापस ले आ के जमानत जब्त हुई इनकी चुनाव में? बिल्कुल, तो उसी का डर है क्या इनको? बिल्कुल उसी का डर है, सरकार को एक ही चीज भाषा समझ आती है, वोट की चोट। वोट की चोट कर दी किसान ने, अब इनको पता लग गया कि इससे पंगा मत लो, विधानसभा चुनाव में ये तो खेल खत्म कर देगा हमारा। चुनाव तो अभी होने बाकी है ना? होने बाकी है, पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, यूपी का चुनाव है, इधर तो वोट की चोट हो गई ना। अब पंजाब का, यूपी का चुनाव है। लेकिन MSP पे कानून बनाएगी, उम्मीद है आपको? बनाएगी, जो भी हमारी जो दो मांगे अभी बाकी है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक किसान घर नहीं जाएगा और आंदोलन और तेज होगा। लेकिन अंगद, आपने भी कई इंटरव्यू में कहा है कि कानून वापसी घर वापसी, तो आप कानून तो वापस हो गए ना? वो तो एक नारा है जी, पर हमारी MSP गारंटी भी तो बाकी है। वो कह रहे हैं BJP के नुमाइंदे कि अब तो किसान राजनीति करने लगे हैं। कैसे राजनीति करने लगे हैं आप बताएं हमें। और एक और बात बताता हूँ, जो भी आदमी वोट देता है वो राजनीति करता है, जो भी आदमी कोई राजनीतिक पार्टी को पसंद करता है वो राजनीति करता है। लेकिन किसान चुनाव तो नहीं लड़ता है, सिर्फ वोट देता है। बिल्कुल देता है, तो यही तो बोला, अगर कोई वोट देता है या किसी को अपनी कोई पार्टी पसंद है तो वो राजनीति करता है। अंगद, आपको नहीं लगता कि किसानों की जीत हो गई है? अभी आधी हुई है, आधी बाकी है। आधी क्यों लग रही है आप? क्योंकि हमारी अभी दो मांगे बाकी हैं। लेकिन बड़ी मांग तो आपकी पूरी होगी ना, जिसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ देश भर में। MSP गारंटी को लेकर भी आंदोलन शुरू हुआ था हमारे इंडिया में किसानों का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बड़ा खेल खेला है, बड़ी चाल चली है। चाल तो इन्होंने जो चली होगी चली होगी, हमें तो हमारे काम से मतलब, कानून वापस हो गए, MSP गारंटी दो, जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा, नौकरी, और वो जो कहते हैं श्रद्धांजलि दे, हम चले जाएंगे। मोदी जी उस दिन टीवी पर आए थे लेकिन किसानों का जिक्र नहीं किया, जिनकी मृत्यु हुई थी, जो शहीद किसान हुए उनका कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने, MSP की बात नहीं करी उन्होंने। हाँ, MSP बात नहीं करी, अब इन्होंने बात क्यों नहीं करी पता नहीं। अच्छा, इनको पर करनी चाहिए थी, क्या पता ये कोई सरप्राइज देना चाह रहे हो संसद में, जब सत्र चले, कानून जब वापस करेंगे तब MSP का। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, अब इससे तो ये लगता है कि किसान बहुत कम है, कोई किसान को ही समझा पाए आप तो। जो साक्षी महाराज है और कलराज मिश्र है, BJP के बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि हम ये जो किसान कानून है ना, इनको वापस लाएंगे फिर कुछ दिन बाद। वो तो फालतू लोग हैं,
महाराज है वो, उनको कुछ पता तो है नहीं। अच्छा, साक्षी महाराज को हमें प्रधानमंत्री से मतलब है। अच्छा। क्योंकि जो करेंगे प्रधानमंत्री जी करेंगे, और अगर प्रधानमंत्री जी वापस लाएंगे नहीं, इतना मुझे पता है, और अगर वापस ले आए तो फिर इनका खेल खत्म होने। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये जो मोदी जी ने बयान दिया है वापस ले रहे हैं। देखिए, लंबी छलांग इसलिए मारेंगे क्योंकि वो भी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छा। अंगद, आपको क्या लगता है जो सरकार ने फैसला लिया कानून वापस का, इससे कुछ फायदा होगा आने वाले चुनावों में बीजेपी को? देखिए, जल्द से जल्द हमारी जो अभी दो मांगे हैं वो पूरी कर देंगे तो इनको फायदा होगा। दो मांगे कौन सी? मैं कितनी बार बता रहा हूँ कि MSP गारंटी, और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा, नौकरी और श्रद्धांजलि। पराली वाला और जो हमें पराली वाले मतलब हमें नहीं है, पर पराली वाला जो वो मसला था वो हमारी जो वो अलग मसला है। अंगद भाई, जो कंगना राणा होते हैं वो कहती है तो किसान है ही नहीं, उनको पद्मश्री भी दे दिया। दुख हुआ उनको जब कानून वापस हुए। कंगना राणा फिल्म एक्टर, कंगना राणा तो चमची है उनकी। चमची? हाँ। चमचा कौन है? चमची तो वो है, अभी कंगना राणा की बात करो, कंगना राणा है उनकी चमची। और वो जब ऐसी बातें उल्टी सीधी देश के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती हैं, तो इससे ये साबित होता है कि वो महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी और जो सुभाष चंद्र बोस है इनके खिलाफ बोल आजादी को लेकर बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, उन्होंने आजादी को लेकर बात करी थी। लेकिन कुछ मीडिया वालों को भी दिक्कत हुई है कानून वापस होने में। हाँ जी, कुछ मीडिया वालों को भी दिक्कत हुई है। चैनल वाले वो तो गोदी मीडिया है। हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं तो उनके खातिर भी आए हैं, और हमारी जमीन खो रहा था मोदी और उसके खातिर भी आए हैं। हमारे जोन से हमारी जमीन खोई गई उसकी वजह से हम आए हैं, और मोदी ने जोन सा किसान 3 कानून वापस लिए हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की, और हम आगे भी जोन सा किसान आंदोलन होगा उसमें भी जाएंगे। मोदी जी ने कानून वापस ले लिए, क्या कहोगे मोदी जी के लिए? कुछ नहीं, हम तो कहेंगे कि कानून वापस कर दो। कानून तो वापस हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद कहना, क्या कहना चाहोगे मोदी जी? हम कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं कहना चाहते, धन्यवाद तो बनता है ना। हाँ जी, धन्यवाद कह रहे हैं हम। हाँ जी, आंदोलन में आगे कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा हमें। अच्छा लगा। हाँ जी, कहाँ से आए? हम आए पुरका जी की तरफ से। हाँ जी, आंदोलन में जुड़े हुए आप 1 साल से? हाँ जी।